आजमगढ़ जौनपुर मार्ग पर अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक घर में घुस गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब आजमगढ़ से जौनपुर की तरफ जा रहा खाली ट्रक सड़क किनारे बने घर में घुस गया। वहीं हादसे में ट्रक सवार 17 साल के खालसी नीरज की मौत हो गई। आपको बता दें कि ट्रक पर ही सवार नीरज का 15 साल का साथी अर्जुन पुत्र बबलू जख्मी हो गया। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बरहत थाना क्षेत्र के भीरा गांव की रहने वाली समसेरा के घर में महिला आतिया बाहर झाड़ू लगा रही थी, वहीं अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से वह भी जख्मी हो गई। हालांकि उसे सिर्फ मामूली चोट आई है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य शुरू किया। पुलिस ने ट्रक को घर से बाहर निकाला। ट्रक का नंबर जौनपुर जिले का है। क्षतिग्रस्त ट्रक से बड़ी मुश्किल से शव को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल किशोर को इलाज के लिए अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।